तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रसीद और रसीद ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर आया हूं चंदेरी के अंदर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं स्त्री 2 की शूटिंग लोकेशन, जो कि स्त्री 2 फिल्म आज लगी हुई है, आज सारे सिनेमा घरों में लगी हुई है और 200 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करने वाली ये फिल्म है। और 15 अगस्त को ये रिलीज़ हुई थी, तो हम उसकी आज शूटिंग लोकेशन यहाँ पर दिखाएंगे। जितने भी सीन यहाँ पर लिए गए हैं चंदेरी के अंदर, तो वो सीन हम आपको मैच कराएंगे। राजकुमार राय की ये फिल्म है और इसमें श्रद्धा कपूर जी हैं, तो आइए हम आपको मैच कराते हैं कुछ सीन। ये है रामलीला ग्राउंड का स्टेज और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे आप राजा महल है। तो एक सीन यहाँ से रिकॉर्ड किया गया था, इस जगह से इस तरीके से कैमरा एंगल लगाया गया था, तो आप देख सकते हैं ये जीने मैच कर सकते हैं। और यहीं पर खड़े होते हैं राजकुमार राव और यहाँ पर सजाया गया था बहुत ही ज़्यादा। नाइट का सीन था तो कम मैच हो पाएगा, लेकिन दिख रहा है ये जीने सीढ़ियाँ मैच कर सकते हैं आप यहाँ से। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक सीन लिया गया था, तो इसको आप देख सकते हैं। एक आइटम सॉन्ग यहाँ पर रखा गया था तमन्ना भाटिया जी का, तो यहीं पर वो सीन। एक यहाँ पर एक स्टैचू खड़ा किया गया था, एक मूर्ति खड़ी की गई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पीछे से जो आप देख रहे हैं राजा महल के गेट, आप मैच कर सकते हैं, तो इस जगह को मैच कर सकते हैं इसी जगह पर। तो यहाँ पर तमन्ना भाटिया जी का देखिए, यहाँ पर झूले लगाए गए थे और काफ़ी ये मैच कर सकते हैं। इसको सजाया गया था घर को, तो इसी ग्राउंड में ये रामलीला ग्राउंड है, इसी मैदान में झूला लगाए गए थे, काफ़ी सजावट यहाँ पर की गई थी, तो यहाँ पर वो सीन फिल्माए गए थे। और कुछ सीन राजा महल के अंदर फिल्माए गए थे, तो वो हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। तो आइए, हम लोग आ चुके हैं बूढ़ी चंदेरी और कुछ सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे, काफ़ी सारे सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे, तो वो सीन हम आपको दिखाने वाले हैं। और अभी क्या है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हम लोग रास्ते में आए तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हो रही है। तो बारिश रुक जाने के बाद हम आपको सीन मैच कराते हैं यहाँ के। और काफ़ी दूर है यहाँ से, करीब चंदेरी से है ये 15 किलोमीटर दूर, तो काफ़ी पूरा पहाड़ चढ़ के आना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम आए हैं और आपको सीन मैच कराते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें दोस्तों, और शेयर भी करते रहें दोस्तों तक पहुंचाते रहें वीडियो। आइए हम दिखाते हैं आपको, मैच कराते हैं वो सीन। तो एक सीन दोस्तों यहां से रिकॉर्ड किया जाता है, जब तमन्ना भाटिया जी को उठा कर ले जाता है और उनकी माँ जब यहाँ पर लेकर आती हैं बूढ़ी चंदेरी के अंदर, तो यहीं पर सीन रिकॉर्ड किया जाता है। इन्हीं सीढ़ियों से वो लेकर के जाती हैं अंदर की तरफ, तो बाकी सीन अंदर है, वो हम आपको मैच कराते हैं अंदर। और इस जगह से पहला सीन यहाँ से लिया जाता है इस तरीके से, दूसरा शॉट कुछ इस तरीके से लिया जाता है, इस तरीके से कैमरा एंगल लगा करके जाते हैं अंदर की तरफ, फिर यहाँ से अंदर वो गेट खोलते हैं और यहाँ से लिया जाता है। देखिए इस तरीके से मैच कर सकते हैं आप, स्क्रीन शॉट मैंने लगा दिया है, तो ये भी आप मैच कर सकते हैं नज़ारा। ये गुम्बद का नज़ारा है, ये भी देख सकते हैं मंदिर है, तो अंदर जो है आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी पुरानी ये बूढ़ी चंदेरी भी है, तो इस गेट को मैच कर सकते हैं। इस तरीके से एक कैमरा एंगल लिया गया था, दूसरी तरफ ये कुंडी खोलते हैं, देखिए ये कुंडी मैच कर सकते हैं आप अंदर से कैमरा लगा करके, इसी तरीके से शॉट लिया गया था। फिर अंदर चलते हैं, उनकी जो काफ़ी सारी महिलाओं से बातचीत होती है, वो मिलाने के लिए आती हैं कि तुम ही, मतलब जो यहाँ का जो है उसका इंतजाम तुम ही कर सकते हो, सरकटे को तुम ही मार सकते हो, जैसे कि तुमने स्त्री को भगाया था इसी तरीके से तुम सरकटे का भी इलाज तुम ही कर सकते हो, तो उसका सम्मान किया जाता है, पहले उससे बातचीत होती है। तो आइए हम वो शॉट आपको दिखा देते हैं। तो दूसरा शॉट यहाँ से लिया गया था, इस तरीके से आप देख सकते हैं इस जगह पर खड़े होते हैं, जो कि ये पिलर सा बना हुआ है, कोई मंदिर है पुराना और इस पर काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कलाकृति की गई है। तो इसी जगह पर देखिए राजकुमार राय का सिर दिखता है पीछे की तरफ और यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएँ खड़ी होती हैं जो कि उनसे बातचीत करती हैं। तो इसी जगह पर ये पीछे पहाड़ दिखता है और जो बगल में आम का पत्ते की डाली भी दिखती है, ये आम का पेड़ है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से वो सीन रिकॉर्ड किया गया था और काफ़ी सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं, तो वो हम आपको दिखाते हैं। एक सीन यहाँ से रिकॉर्ड किया गया है, इस तरीके से देख सकते हैं आप, जो बाउंड्री की जो जीना से दिख रहे हैं तीन वो भी हैं और ये पत्थर जो नीचे डले हुए हैं ये भी देख सकते हैं, और ये बरामदा जो है इसके पिलर भी आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पर राजकुमार राव और दो महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए नज़र आए थे वो, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसी जगह का सीन है। और इसी जगह कई शॉट फिल्माए गए हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं, और काफ़ी जो मेरे अंडर में है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके सारे सीन यहां पर रिकॉर्ड कराऊंगा।
रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग और मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी सीन यहाँ पर जितने भी हैं सारे सीन यहाँ पर मैच करेंगे, देखिए स्क्रीन शॉट के माध्यम से। तो दोस्तों एक सीन इस तरीके से लिया गया था, यहाँ पर वो बैठी हुई थी, खड़े हुए थे सब लोग, मतलब राजकुमार राय उनसे बात करते हैं कि वो इतना लंबा है पता है कि जितना हमारा, अगर हम और भी जुड़ के खड़े हो जाएंगे सारे लोग तो हम उसके कमर तक ही पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए ये पेड़ जो है वो कटा हुआ है और पहले भी कटा डला था और आज भी कटा डला है। और लेकिन यहाँ पर एक कुछ मंदिर टाइप का बना हुआ था जो कि मिट चुका है, गिर चुका है, वो तो वो नज़र नहीं आ रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है। और बाकी यहाँ पर कुछ सिस्टम बांध दिए गए थे, कलावा वगैरह बांधा गया था, तो इसी जगह का वो सीन है। और इसको देखिए मैच कर सकते हैं आप, और ये पहाड़ नहीं दिख रहा था, वो लोग ऐसे कैमरा करके लगाते हैं, अलग उनका जूम होता है, उनके में लेंस बड़े बड़े लेंस होते हैं, तो इस तरीके से, लेकिन इसी तरीके से लगाया गया था कैमरा एंगल, आप देख सकते हैं। जो मैं थोड़ा घुमा देता हूँ, देखिए ये बाउंड्री भी दिख रही थी और यहाँ पर देखिए इस जगह को इस तरीके से था, तो इसी जगह का वो सीन है। तो एक सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था, इस जगह से लिया गया था, देखिए इस तरीके से कैमरा लगाया गया था। और यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं खड़ी होती हैं तो उन्हीं से बातचीत के द्वारा ये कहते हैं कि देखिए, फिर वो महिला कहती है बेटे तुम्हीं को इसका इलाज करना होगा, कोई हल निकालो इसका ताकि हम स्त्री यानी सरकटे से मुक्ति पा सकें। तो उसको मालाएं पहनी जाती हैं, माला पहना करके वो कहते हैं कि तुम इसका इंतजाम करो। और वो रहता है देखिए, जैसे कि हम लोग बूढ़ी चंदेरी में आए हैं तो चाचा जी यहाँ के गार्ड हैं, तो हम लोगों ने थोड़ी बातचीत करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर कितने दिन शूटिंग चली थी? वैसे एक दिन। एक दिन? और आपने तो हीरो से मुलाकात की होगी, मतलब बातचीत की होगी? अच्छा, पूरी यूनिट से आपने? फोटो वगैरह है उनकी? नहीं, फोटो नहीं है क्योंकि मोबाइल नहीं रखे चाचा। तो इसको कितने दिन हो गए? छोटा मोबाइल। अच्छा अच्छा, इसको कितने दिन हो गए? लगभग कितनी पुरानी है जी? 6 महीना पुरानी। शूटिंग तो 6 महीने पहले ही शूटिंग चली थी देखिए, और 15 अगस्त में अभी रिलीज भी हो चुकी है, अभी सिनेमा घरों में लगी है और काफ़ी अच्छी कमाई भी कर रही है फिल्म। और जो ये चंदेरी है इसको कितनी साल हो गई यहाँ पे? द्वापर जमाने की है पूरी चंदेरी। अच्छा, बहुत ही काफ़ी साल पुरानी है। राजा महल के अंदर, और राजा महल के अंदर कुछ सीन यहाँ पर लिए गए थे स्त्री टू गए, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पर मैच कराने वाले हैं। तो श्रद्धा कपूर जब उनसे मिलने के लिए आती हैं तो इसी जगह पर मिलती हैं, तो वो सीन हम आपको मैच कराएंगे। यहाँ पर खटिया डली रहती है उनकी और यहीं पर वो मिलने के लिए आती है। जगह को देख सकते हैं आप, ये इसी जगह पर वो राजकुमार राव यहाँ पर खटिया डालकर बैठे रहते हैं, तो इसी जगह को देखिए। और यहाँ पर आती हैं श्रद्धा कपूर जी, तो उनसे बात करती हैं, तो कुछ लिए रहते हैं हाथ में तो फेंक देते हैं, डरा जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इसी तरीके से कुछ बातचीत करने के बाद वो यहाँ पर खड़ी होती हैं तो उनसे बात करती हैं, तो इसी तरीके से कैमरा एंगल लगाया गया था। शॉट यहाँ से है इस तरीके से, देखिए यहाँ पर भी खटिया डली रहती है, तो यहाँ को शॉट घुमा दिया जाता है, एंगल घुमा दिया जाता है कैमरा। तो ये सीढ़ी जो है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए ये मैच कर सकते हैं, और ये दीवार जो बाउंड्री है ये भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैच किया जा सकता है। तो यहाँ पर डली रहती है, कैमरा एंगल चेंज हो जाता है यहाँ पर, तो एक सीन यहाँ से लिया जाता है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक सीन यहाँ से लिया जाता है जब वो यहाँ पर श्रद्धा कपूर को किस करने की कोशिश करते हो। यहाँ पर पंकज त्रिपाठी से कहते हैं मतलब कि तुमने क्या शराब पी है। शराब पीने के बाद जब वो थप्पड़ मारते हैं पंकज त्रिपाठी तो वो नींद खुलती है उनकी। तो यहाँ पर एक शॉट लिया गया था इस जगह पर, तो इस जगह को आप मैच कर सकते हैं। देखिए ये पीछे जो दन्नाल है उसके पिलर मैच कर सकते हैं, ये खिड़की मैच कर सकते हैं यहाँ पर, और ये बाउंड्री भी यहाँ पर मैच कर सकते हैं। तो इस जगह से आप देख सकते हैं इस तरीके से, पर एक सीन यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर खटिया डली रहती है, और यहाँ से देखिए एक सीन यहाँ पर पंकज त्रिपाठी जी यहाँ पर खड़े रहते हैं, तो इसी तरीके से वो सीन मैच कर सकते हैं आप। ये खिड़कियाँ दोनों मैच कर सकते हैं, ये गैफ और ये जाली भी मैच कर सकते हैं इस जगह की। और देखिए यहाँ पर जो कुर्सी डली है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो एक सीन यहीं से मैच किया गया था, इसी जगह से आप मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्त्री टू का एक सीन यहीं से रिकॉर्ड किया गया था, आप देख सकते हैं देखिए इस जगह से। और ये खिड़की भी मैच कर सकते हैं, मंदिर के जो आपको मीनार से दिख रहे हैं ये भी मैच कर सकते हैं, गुम्बद देख सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर शानदार। और ये जो किले का जो पुराना सा जो पत्थर की दीवार है ये भी देख सकते हैं, खिड़कियाँ भी देख सकते हैं इस जगह से। तो यहाँ पर भी दो पिलर देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं,
तो इस जगह को इस तरीके से मैच किया जा सकता है। यहाँ पर श्रद्धा जी खड़ी रहती हैं और बातचीत होती है उनकी, तो इसी बीच पंकज त्रिपाठी जी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक सीन यहाँ से रिकॉर्ड किया गया था, मैच कर सकते हैं आप देख सकते हैं। देखिए इसी जगह पर कैमरा एंगल लगाया था और ये पेड़ भी आप मैच कर सकते हैं, और ये स्कूल जो है स्कूल की दीवारें जो खिड़कियाँ हैं जो खिड़कियाँ भी मैच कर सकते हैं। और ये देखिए मंदिर का भी कुछ टाम्स है और मंदिर की जो गुम्बद है ये भी देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगाया गया था। राजकुमार राव जो हैं वहाँ पर खटिया डाले बैठे रहते हैं, तो चारों तरफ से शॉट अलग अलग एंगल से लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं मैच कर सकते हैं इस जगह को, इस लोकेशन को, राजा महल है चंदेरी के अंदर, तो उसमें ये सीन रिकॉर्ड किए गए थे, फिल्माए गए थे। तो आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। एक सीन यहाँ से दिखाता है इस तरीके से, देखिए हो सकता है शायद वो स्त्री फिल्म का हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक सीन मिल गया है तो मैंने कहा दिखा दूँ आप लोगों को। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसी तरीके से वो लहंगा लेकर के आते हैं स्त्री के लिए, तो हो सकता है श्रद्धा जी के लिए लेकर आते हैं, तो इसीलिए वो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो इसी जगह पर वो बैठे रहते हैं, ये भी राजा महल का ही है और ये मैच कर सकते हैं। अमरूद का पेड़ है और यहाँ पर वो बैठे रहते हैं, इस जगह को देख सकते हैं हम मैच कर सकते हैं, तो इसी जगह का सीन है वो। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं राजा महल के अंदर और यहाँ पर स्त्री टू फिल्म की शूटिंग हुई है। और कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई है हम जानकारी लेते हैं चाचा जी से। स्त्री वन की भी शूटिंग हुई और स्त्री टू की भी शूटिंग हुई। महारानी टू उमा कुरैशी करके जो हीरोइनी थी वो भी यहाँ आई है, और सुई धागे की। अच्छा, यहाँ पर वरुण धवन और अनुष्का शर्मा आए हैं, उनकी भी यहाँ पर गाना भी शूट हुआ है श्रद्धा कपूर। अच्छा, आपकी तो मुलाकात हुई होगी उनसे? सबकी मुलाकात, हमारे संगाती सब लोगों की मुलाकात होती रहती है। आप लोगों के लिए बढ़िया है, यहाँ पर मुलाकात होती रहती है। यहाँ पर उस स्त्री टू का क्लाइमैक्स यहाँ पर फिल्माया गया था, तो आप देख सकते हैं इस जगह को, यहीं पर श्रद्धा कपूर बैठी हुई थी और यहीं पर वो हीरो बैठे थे। तो यहाँ पर आप राजकुमार राव यहीं पर बैठ कर के बात करते हैं, और वहाँ पर एक मूर्ति लगाई गई थी, स्टैचू लगाया गया था, वो फिल्म में बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है। तो इसी जगह पर, और देखिए जो स्त्री फिल्म आई थी उसमें भी क्लाइमैक्स यहीं पर फिल्माया गया था। इस यहाँ से बस आती है और रामनगर की तरफ चली जाती है, जब वो चोटी काट के ले जाती हैं, तो इसी जगह पर उन्होंने क्लाइमैक्स को फिल्माया था। तो आइए हम वो सीन मैच करके आपको दिखाते हैं जो कि सीन आपको उस फिल्म में देखने को मिले थे। स्त्री टू के अंदर जो हमें सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे वो सीन हम आपको मैच कराएंगे। आइए, वो इस जगह से सीन लिया गया था इस तरीके से, वो क्रेन से लिया गया था, तो ऊपर से लिया गया था शॉट कुछ, लेकिन इसी तरीके से कैमरा एंगल लगाया गया था। और उस जगह पर वो बैठी हुई थी श्रद्धा जी जो है उस टेबल पर बैठी हुई थी, और वो सारा सीन आप देख सकते हैं, यहाँ से मैच कर सकते हैं, इसी जगह पर फिल्माया गया था, रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ पर बैठ करके वो बात करती हैं, वो पूछते हैं कि मतलब कौन थी वो, ये है क्या, तो यहाँ पर बताती हैं कि देखिए ये मेरी माँ हैं और उन्होंने बताने से मना किया है, इस तरीके से बातचीत करते हैं। क्लोजअप यहाँ से लिया गया था, इस जगह को देख सकते हैं, ये लाइन जो आप देख रहे हैं कटी घाटी के अंदर ये लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पर वो बैठ करके क्लोजअप शॉट में बात करते हैं, तो उनसे बातचीत होती है, तो वो बताते हैं देखिए ये इस तरीके से मैच यहाँ से कर सकते हैं आप। तो इसी जगह पर वो फिल्माया गया था सीन, यहाँ से मतलब लिया जाता है जब वो जाने लगती हैं उन्हें छोड़ करके, वो कहती हैं हम तो तुम्हारे साथ हमेशा से ही थे और हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता है, तो जब भी तुम हमें याद करोगे तो हम आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसी जगह पर देखिए छोड़ करके वो गायब हो जाती हैं, तो वो सीन यहीं पर रिकॉर्ड किया गया था। और ये रास्ता है जो, तो दोस्तों जितने भी सीन यहाँ पर लिए गए थे चंदेरी के अंदर और जितने भी सीन वहाँ पर थे सारे सीन मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, कटी घाटी के और राजा महल के अंदर, और जो भी वहाँ पर बूढ़ी चंदेरी के भी मैंने सीन आपको बताए हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे उम्मीद